भाजपा के उम्मीदवार है और सबसे बड़ी बात यह कि यादव परिवार की शाखा चाव पर है। आज यादव परिवार की किस्मत का फैसला होगा, वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगा। हम चलेंगे सीधा मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है मालदा से। मनोज्ञा, टीएमसी वर्सेस कांग्रेस ज्यादा इस पूरे इलाके में है, क्या तस्वीर बन रही है? बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि मैं पश्चिम बंगाल के अमेठी में हूं तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस कभी हारी नहीं है, लेकिन इस बार जीतना मुश्किल हो सकता है क्योंकि टक्कर सिर्फ कांग्रेस और टीएमसी की नहीं है बल्कि साथ में वाम मोर्चा एक स्पॉइल स्पॉट हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ध्रुवीकरण किया है पूरे इलाके में, ये बॉर्डरिंग इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन का ये सामना कर चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच में अगर मैं कहूँ कि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो न सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है बल्कि तृणमूल कांग्रेस भी लड़ रही है। वीक कैंडिडेट्स देकर उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है कि वो कांग्रेस के साथ हैं, तो वहीं दूसरी ओर मालदा में अब तक कांग्रेस हारी नहीं है। अबू हाशिम खान चौधरी हैं दक्षिण से, तो वहीं उत्तर से उन्हीं के परिवार के लोग, भाई बहन में लड़ाई है ईशा खान चौधरी और मौसम नूर में, मौसम नूर मामा की बेटी हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बात करें जिस लड़ाई की, जिसमें नए नए कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, सबको पता है 60% ज़्यादा यहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहां पर 60-62% पूरा आपके पास माइनॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। लेकिन उन सब के बीच में अगर जंगीपुर की बात करें तो जंगीपुर थोड़ा सा दूर हो सकता है, मुर्शिदाबाद हो सकता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, हमेशा प्रणब मुखर्जी जीते हैं पिछली दो बार, इस बार अभिजीत मुखर्जी पिछली बार की तरह फिर मैदान में है, तो क्या उन वो भी जीत हासिल करेंगे, ये तो आज जनता तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बना रखे। चलेंगे सीधा बारामती से, हमारे साथ विद्या मौजूद है। विद्या, सुप्रिया सुले का मुकाबला है कंचन से, कंचन बीजेपी की उम्मीदवार है, लेकिन जिस वक्त सुप्रिया सुले हमारी